आप देख रहे हैं हमीरपुर टाइम्स न्यूज। हमीरपुर जनपद में सीबीआई के छापे से खनन माफियाओं में मचा हड़कंप। बता दें, हमीरपुर कस्बा राड में खनन माफियाओं में छापे से मचा हड़कंप। सपा एमएलसी रमेश मिश्रा के घर में सीबीआई की छापेमारी। वहीं अवैध खनन घोटाले में फंसे 11 खनन माफियाओं के घर में छापा। एमएलसी रमेश मिश्रा के पत्रक गांव मिलिया में सीबीआई कर रही है जांच। वहीं खनन माफिया रमेश मिश्रा जावेद हबीब के घर पर भी मारा छापा। जगदीश राजपूत गोहानी राकेश दीक्षित राज इनके यहाँ पर छापे मारी गए। आसपास लोगों में हड़कंप मच गया। वहीं सपा शासन काल से 900 करोड़ का हुआ था खनन घोटाला। हमीरपुर में 62 अवैध खनन पट्टे की सीबीआई कर रही है जांच। वहीं पिछले कुछ महीने पहले से सीबीआई की छापेमारी जनपद हमीरपुर हड़कंप मच रहा। बता दें, कई जांच घेरे में आए। वहीं सीबीआई की इसी सभी घेरे में छापेमारी कर दस्तावेज और खनन से जुड़े सबूत जुटा रही है। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के शासनकाल में 900 करोड़ के खनन घोटाले को लेकर बुधवार को सीबीआई ने अमेठी, नोएडा, हमीरपुर, दिल्ली समेत 22 ठिकानों पर छापेमारी की। भाई साहब नहीं यार, Beep, beep.